रोहतक बिजली बोर्ड की खामियों की सजा भुगत रही है बूढ़ी माँ। 5 दिन से नहीं आ रही बिजली, गर्मी से हो रहा है बुरा हाल। 4 दिन से बेटी कर रही है हाथ पंखे से हवा। सुनिए बिजली व पानी की समस्या पर इस महिला ने क्या बताया। हम अजीत कॉलोनी के जी, क्या समस्या है जी? यहाँ पर 10 दिन से तो पानी नहीं आता बिल्कुल भी, और 5 दिन हो गए लाइट नहीं आती एक सेकंड भी। हमारे मम्मी पापा देखो कितनी तबीयत खराब है, हम इनको कैसे जीवित कर सकते हैं? दिन रात हम इस बिजड़े से हवा करते हैं और खारा पानी भरते हैं। हाँ, खारा पानी नलके से एक दूसरे के हेडपम्प से लाते हैं, और मीठा पानी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। कितने भी आप फोटो उतार सको, हमारे सारे पानी के खाली पड़े हैं। हाँ, उनमें बीमारी भी हो सकती है, इसमें भी सीवर भरे पड़े हैं हमारे, लेकिन बहुत गंदा पानी आता है, उससे भी हम बीमारी में ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी है। आपने बताया कि आपकी माता जी हैं, 4 दिन से आप उनके बिजने से हवा करते हैं, बिल्कुल 5 दिन हो गए एक सेकंड भी लाइट नहीं रुकती। क्या हुआ उनको, बीमार है? हाँ, ये इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, सीरियस हो रहे हैं बिल्कुल। मुंह में पानी डाल दें तो पानी नहीं डालते, तो नहीं लैटरिन बाथरूम खाट में करते है ये, तो हम इसको कैसे जीवित करेंगे जी? लाइट नहीं आती 5 दिन हो गए आज। लाइट शाम 8 बजे भाग गया है, और 3 बजे से पहले तो बिल्कुल दर्शन भी नहीं है। 2 घंटे में क्या कर लेंगे, इन्वर्टर भी चार्ज नहीं होते, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे।